कल बुधवार को श्री गणेश जी का दिन है और कल से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन नया आगाज करने जा रहा है देश स्तर पर, दुनिया स्तर पर। 55 वर्ष पुराना यानी 1969 का मोइनुल हक स्टेडियम जो फिर से तोड़कर नए सिरे से बनने वाला है, इसके लिए कल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI और बिहार सरकार के बीच MOU साइन होने वाला है। यानी कल से मोइनुल हक स्टेडियम पूरी तरह से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अपने हिस्से में लेगा और इसे निर्माण करने का काम जल्द प्रारंभ करेगा। कल इसी ग्राउंड पर हम कैमरामैन को कहेंगे आप दिखाइए, इसी ग्राउंड पर कल SCAB का मैदान है और मोइनुल हक स्टेडियम का बाहरी परिसर में कल देखिए वहाँ नज़ारा कि कल वहाँ पर स्टेज बन रहा है 20x30 का और यहाँ पर कल बिहार सरकार के आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, नगर विकास और विधि मंत्री माननीय नितिन नवीन जी, खेल मंत्री बिहार सरकार सुरेंद्र मेहता जी, बिहार सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी खेल विभाग के, हमारे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय राकेश कुमार तिवारी जी और पूरी बिहार क्रिकेट BCA की पूरी गवर्निंग बॉडी और डिस्ट्रिक्ट मान्यता प्राप्त 38 जिला क्रिकेट संघों के हमारे प्रतिनिधि सब लोग पटना में कल 1:30 बजे से इसी मैदान पर MOU साइन होना है। एक तरफ BCA के अधिकारी रहेंगे, दूसरी तरफ बिहार सरकार के लोग रहेंगे और यहाँ से मोइनुल हक स्टेडियम का बनने का नया अभियान शुरू होगा। ये स्टेडियम अंदर में है मेन पिच और आप देख लीजिए वहाँ ऊपर में बिहार JBG पवेलियन हुआ करता था, ये JBG पवेलियन पर बोर्ड लगा हुआ है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का और कल इसी ग्राउंड में होने वाला है कार्यक्रम और बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा। इस बार कार्यक्रम में लाखों लोग पधारने वाले हैं, पटना शहर के लोग, बिहार से लोग, बिहार में खुशियों का माहौल है। पूरा बिहार क्रिकेट छठ के पावन अवसर पर झूम उठा है। एक तरह से यूँ कहा जाए कि छठी मैया का आशीर्वाद कहीं ना कहीं पूरा BCA को प्राप्त है, जिसका प्रतिफल है कि बिहार सरकार और BCA और BCCI के संयुक्त मेलजोल से ये MOU साइन होगा और मोइनुल हक स्टेडियम ऐसा बनने वाला है जो ईडन गार्डन को फेल कर देगा। और जितने आपके स्टेडियम हैं, गुजरात के स्टेडियम, लखनऊ के स्टेडियम, उससे सुंदर स्टेडियम, बनारस के स्टेडियम, सबसे सुंदर स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम इस बार आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ 8-8 विकेट अंदर बनने वाले हैं, कुछ मेन विकेट बनेंगे, कुछ प्रैक्टिस विकेट बनेंगे, यहाँ स्विमिंग पूल का निर्माण होना है, 5-स्टार होटल बनने वाले हैं और आकर्षक प्लेयर्स स्टैंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये नज़ारा BCA ने बिहार वासियों को दिया है छठ के पावन अवसर पर। अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अंदर में मध्य प्रदेश और बिहार का मैच शुरू होने वाला है। एक डेट कल 6 तारीख का निर्धारित था पहले से, इस निर्धारित डेट पर MOU साइन बिहार सरकार वर्सेज BCA होने वाला है।
तो हम लोग इसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं अपने BCA के अध्यक्ष श्रीमान राकेश तिवारी जी की, उनकी पूरी टीम को, कि आप जो कहे वो किए और बिहार वासियों को नया स्टेडियम मोनुलक स्टेडियम चकाचक और चमचमाता स्टेडियम देने का काम किया। इसके लिए बिहार की जनता आपको साधुवाद देती है, कोटि से आभार व्यक्त करती है कि इतना, और बिहार में क्रिकेट का माहौल अगर पैदा किया तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, आप देखें कितने बड़े से बड़े रणजी ट्रॉफी के मैच हुए। आज वो दिन दूर नहीं कि बिहार में विश्व कप का मैच इसी मोनुलक स्टेडियम में होगा। हम बिहारवासी इसके गवाह बनेंगे और यहाँ भारत पाकिस्तान का मैच, भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच, भारत न्यूजीलैंड का मैच, भारत अफ्रीका का मैच, इतना मैच होगा कि बिहार के लोग थक जाएंगे मैच देखते देखते। इतना आयोजन BCA द्वारा किया जाना है। तो ये मोनुलक स्टेडियम जब तैयार हो जाएगा तब मान के चलिए कि चमचमाता लहलाता बिहार में। तो मैं एक तरफ साधुवाद देना चाहता हूँ अपने बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार का मतलब होता है विकास पुरुष।